सलाम अलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, अपनी किताब का सबक नंबर 21 बस स्थानक निकालिए। हमारे सामने सबक में बस स्थानक यानी बस स्टैंड की एक तस्वीर दी गई है। आप कभी गए हो क्या बस स्थानक पर? किसी गांव या शहर के सफ़र के दौरान आप गए होंगे ना बस स्थानक पर, तब आपने वहां जो नज़ारा देखा होगा उसी बिना पर हमें इस दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करना है और दी हुई तस्वीर में नज़र आने वाली चीज़ों के मानी जानना है। तो चलिए तस्वीर का मुशाहिदा करते हैं। सबसे पहले तस्वीर में दो बसें एक शेड में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये बसें मरम्मत के लिए यहाँ खड़ी की गई है। अब तस्वीर के बाएं जानिब हमें चालक की तस्वीर बताई गई है। चालक यानी ड्राइवर, जो बस को चलाता है। ड्राइवर के नीचे तस्वीर में वाहक की तस्वीर दी हुई है। वाहक यानी कंडक्टर, जो बस में मौजूद सवारियों को टिकट देता है। कंडक्टर के नीचे की तस्वीर में दो लोग अपने सरों पर बेचने के लिए सामान लादकर ले जा रहे हैं। उन्हें फेरी वाले यानी हॉकर कहते हैं। ये लोग बस स्थानक पर घूम घूमकर अपने सर पर रखा हुआ सामान बेचते हैं। फेरी वालों के नीचे फड़ाचे दुकान यानी फलों की दुकान दिखाई दे रही है, जहां मुख्तलिफ किस्म के फल बेचने के लिए रखे हुए हैं। उसके बाद हमें पुस्तकांचे दुकान यानी किताबों की दुकान नज़र आ रही है। आप यहां से तरह तरह की किताबें या अखबार खरीद कर उसे अपने सफ़र के दौरान पढ़ सकते हैं। किताबों की दुकान के बाजू में उपहार गृह यानी कैंटीन, जिसे हम रेस्टोरेंट भी कहते हैं, दिखाई दे रहा है, जहां पर खाने के लिए अलग अलग किस्मों की चीज़ें मुहैया होती हैं। उपहार गृह के दाएं बाजू में एक सूचना फलक लगा हुआ है, जिस पर कुछ हिदायत लिखी हुई है। साथ ही नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर लिखा है आपले शहर स्वच्छ ठेवा, यानी अपना शहर साफ रखे, जिसमें लोगों को अपने शहर की सफाई की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया है, ताकि हम सफाई की अहमियत को हमेशा याद रखें। सूचना फलक के ऊपर चौकशी कक्ष और ध्वनिक्षेपक के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। चौकशी कक्ष यानी इंक्वायरी रूम, मतलब आप यहाँ जाकर ये मालूम कर सकते हैं कि किसी गांव या शहर के लिए कौन सी बस किस वक्त में आएंगी। बस के अवकात के बारे में मुकम्मल मालूमात आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसी तरह बस स्टैंड पर खड़ी हुई बस कहाँ जाएंगी और कौन से नंबर की बस जाएंगी, ये बस स्टैंड पर खड़े हुए लोगों को मालूमात देने का काम ध्वनिक्षेपक यानी लाउड स्पीकर के ज़रिए से किया जाता है। उसके बाद चौकशी कक्ष के ऊपर में आरक्षण कक्ष की तस्वीर दी गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ दिन के बाद कहीं बाहर शहर जाने का इरादा होता है, तो ऐसे में हम कुछ दिन पहले ही आरक्षण कक्ष में जाकर टिकट निकालकर अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। इस तरह की सहूलियत बस स्टैंड पर मौजूद होती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बस स्थानक यानी बस स्टैंड के बारे में जानकर कैसा लगा? उम्मीद है आप लोग सबक से लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।